फ्रेंड्स, मैं प्रवीणा फर्नांडिस हूँ। आज का वीडियो है इसराइल का मिनिमम सैलरी के बारे में। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं इसराइल में मिनिमम सैलरी कितना है करके, इसलिए आज का वीडियो है। इसराइल में फॉरेन वर्कर्स लेबर लॉ करके एक लॉ है, और लॉ के अनुसार हम लोगों को कितना मिनिमम सैलरी होगा करके गवर्नमेंट का एक फिक्स सैलरी है। इसराइल में मिनिमम सैलरी 5300 है। इसमें से हमको थोड़ा डिडक्शन है रेसिडेंस का, इंश्योरेंस का, फिर मंथली एक्सपेंसेस करके थोड़ा डिडक्शन है, और डिडक्शन होने के बाद मंथली हमको कितना पैसे मिलता है करके उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको दिखाऊंगी। कोई जेरूसलम एरिया में काम कर रहे तो उन लोगों का मिनिमम सैलरी और डिडक्शन कितना होगा इसके बारे में बोलूँगी। फर्स्ट डिडक्शन होगा रेसिडेंशियल डिडक्शन 215.55 NS, और एडिशनल लिविंग एक्सपेंसेस 81.91 NS, और हेल्थ इंश्योरेंस 146.55, ये टोटल 344 शेकेल होगा, और माइनस 400 शेकेल पॉकेट मनी। ये सब डिडक्शन करने के बाद आपका टोटल सैलरी होगा 4455.99, बोले तो 4456 शेकेल होगा। ये पॉकेट मनी तो सब लोगों को मिलता है, इसलिए उसमें आपका टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। बोले तो आपका मिनिमम सैलरी होगा 4856 NS। अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको, शायद आपको वो मालूम पड़ा। अभी 5300 से हम लोगों को, मैंने वो जेरूसलम एरिया में काम करने वाले लोगों के बारे में एक एग्जांपल दिया था। 5300 से 344 शेकेल कट होगा इंश्योरेंस का, रेसिडेंस का, और मंथली एक्सपेंसेस का डिडक्शन होके हमको 4856 शेकेल मिलेगा। इसमें से 400 शेकेल वीकेंड का है, वो सब लोगों को मिलता है। हफ्ते में फ्राइडे 100 शेकेल मिलेगा, इसे चार हफ्ता है तो 400 शेकेल आपको वो मिलेगा। वो मिला के आपको इसराइल में 4850 और 4900 शेकेल है इसराइल का मिनिमम सैलरी। आपको हाथ में मिलने का पैसा इतना है। 4900 आप डिवाइड करके देख सकते हैं, शेकेल रेट तो 22 ऐसा है, फिर भी 1 लाख और 1 लाख का थोड़ा ज्यादा आएगा। ये है मिनिमम सैलरी। इससे भी ज्यादा नहीं मिलता है करके पूछा तो मिलता है थोड़ा लोगों को, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे इसराइल में छुट्टी है। फ्राइडे सैटरडे फैमिली लोगों को, फ्राइडे सैटरडे को उनका पेरेंट्स को नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग हम लोगों से बोलेंगे फ्राइडे सैटरडे काम करो। फ्राइडे सैटरडे काम किया तो 24 आवर्स काम किया तो आपको 362 शेकेल एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा चार हफ्ता भी आपको काम मिलेगा तो वो पैसा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। फिर भी थोड़ा फैमिली लोग तो उन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि ये फ्राइडे सैटरडे का तो गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता है। ये फ्राइडे सैटरडे को काम देने का है तो फैमिली को पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा लोग तो पैसे नहीं है तो वो लोग बोलते हैं फ्राइडे सैटरडे हम लोगों को नहीं चाहिए, आप छुट्टी पे जाओ हम लोग देखेंगे करके। आप छुट्टी में गया तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, ओनली 4900 शेकेल आपको मंथली मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे काम देने का कंपलसरी रूल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, फैमिली को चाहिए तो फैमिली आपको रख सकते हैं। 2 दिन के पहले मेरे को एक कमेंट आया इसराइल का वीजा के लिए 20 लाख पूछे करके। इसराइल में आने के पहले सोचो, क्योंकि 1 लाख सैलरी मिलेगा, फिर भी ये 20 लाख आपको कमाने के लिए ये 1.5 साल और 2 साल लगेगा। ये 20 लाख देने के पहले सोचो, क्योंकि आप नर्स है तो आप दूसरा गांव को जा सकते हैं, तो उधर जाओ, क्योंकि उधर आपको परमानेंट रेसिडेंसी का वीजा मिलेगा। इसराइल में आपको परमानेंट नहीं रुक सकते, क्योंकि इसराइल का लीगल वीजा है 4 ईयर 3 मंथ्स। वो 4 ईयर 3 मंथ्स तक आप काम चेंज करते हैं, काम डिफिकल्ट है तो चेंज कर सकते हैं, फिर 4 साल 3 महीने के बाद आप काम नहीं चेंज कर सकते। वो स्पेशल वीजा का काम तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 188% डिसेबल पेशेंट का काम करना पड़ेगा। ये 188 बोले तो बेड रेडन पेशेंट होगा, व्हीलचेयर पेशेंट होगा, नहीं तो बच्चे लोग भी, बेड रेडन बच्चे लोग होगा, वो बहुत मुश्किल है काम। इसलिए आप इसराइल आने के पहले सोचो, आपको दूसरा अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो उधर जाके
जाओ, क्योंकि इसराइल में आके आप पैसा कमा सकते हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम है, क्योंकि अभी इसराइल में परमानेंट आप नहीं रुक सकते, इसलिए सोच के आपका दूसरा गांव जाने का अपॉर्चुनिटी है तो उधर जाओ, उसका आपका दूसरा गांव जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसराइल आ जाओ। फिर भी इसराइल का काम तो मुश्किल है, आपको बहुत पेशेंस चाहिए, थोड़ा काम मुश्किल है क्योंकि 24 आवर्स काम करने का है, फिर भी आपको इसराइल आने के तो आ जाओ। आपको फ्राइडे सैटरडे काम नहीं है तो 4,900 शेकेल इधर का मिनिमम सैलरी है, बोले तो आप कैलकुलेशन करके देखो कितना होगा करके। इतना ही आज का वीडियो है। ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक करो, कमेंट करो, आपको फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करके दे दो। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, टेक केयर।